Hello friends, I Susanta. Welcome you all to class 10 economics chapter number 5, that is consumer rights. Iska matlab hai upabhokta adhikar. So let's start. Upabhokta jo hote hain, jiska hum consumer kehte hain, jo uparokt jo sangrah upabhokta nyayalay ke nirnay ke kuch samacharon ke namune. ये जो दिया गया है आपके किताब में पेपर कटिंग, इसको थोड़ा देखो, लिखा हुआ है गरीबों को मिलेगी सस्ती दालें। फिर इसके नीचे दिया गया है नीम हकीमों के विज्ञापन पर सरकार को नोटिस। इसके साइड में दिया गया है बगल वाला सुरक्षा की गारंटी के निहितार्थ। इसको ऊपर दिया गया है गलत दवा देने से महिला की मौत। इसके नीचे महिलाओं के विश्वास पर मान। इसके नीचे प्रदूषित पानी। उस लेफ्ट साइड में बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल। इतना सारे अखबार में निकला हुआ इन्फॉर्मेशन। तो इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए? ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ एवं संघर्षरत हैं, किस तरह हुए न्याय को पाने के लिए तरसते रहे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं द कंज्यूमर इन अ मार्केट प्लेस। कंज्यूमर ने मार्केट के जगह का इसका क्या रोल है? उपभोक्ताओं इसकी भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती है। पिछले अध्यायों में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और नियंत्रणों या इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया है। इनका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनिमय, जो अरबी है विनियमों, इसकी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में आप पहले अध्याय पढ़े हैं, पहले से पढ़ चुके हैं हम लोग, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दाम पेच अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे सपना जैसी महिला को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को विवश कर सकते हैं। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती है और प्राय उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों एवं विनियमों की बात ही करते हैं। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि इन नियमों का अनुपालन हो। तो चलो देखते हैं ये नियम का अनुपालन कैसे बाजार में होता है। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियम की आवश्यकता होती है क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता
सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है, आपने जो खरीदा है अगर वह पसंद नहीं तो कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है। बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं। जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं, या व्यापारी होते हैं शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले न किया गया हो, या मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हैं। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं, तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हो। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य सूत्र जो है, जो रास्ता है, इसे गलत सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के जो दूध से हमारा उत्पाद बेहतर से बेहतर और सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप से हमारा प्रोडक्शन होता है, लेकिन दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक चर्चा कई बहुत लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह झूठे दावे करती आ रही थी। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियम की आवश्यकता है। तो इतने सारे चीज को ध्यान से रखना पड़ता है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कंज्यूमर मूवमेंट, उपभोक्ता आंदोलन। ये क्या है? उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था, तो सामान्यतः वह उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। यह मान लिया जाता था कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दिया। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थी। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में
अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकान में होने वाले अनुचित कार्यों पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। सो डियर फ्रेंड्स, दिस मच इज ऑल अबाउट ऑफ द डे। वंस अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। थैंक यू।